गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज का वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ के जो डिवीजन हम सॉरी फैक्टर्स हम देख रहे थे उसका पॉइंट प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन हमें हम फाइंड किए थे वो फैक्टर के मेथड से, लेकिन आज हमें प्राइम फैक्टर ड्रॉ करना है ट्री के डायग्राम से। सेम ही मेथड है, सिर्फ हमें उसको शो कैसे करना है, ट्री डायग्राम में शो करना है फैक्टर्स को जो नंबर्स के हमने फाइंड किए हैं। कैसे फाइंड करना है तो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल यहाँ पे बताया है। पहले मैं आपको ये एक एग्जांपल एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद हम दूसरे नंबर का एक सॉल्व करके देखेंगे। तो चलो यहाँ पे देखो, फैक्टर्स ऑफ 32, इसके जो फैक्टर्स हैं इन्होंने ये ट्री डायग्राम में शो किया है, इसको बोलते हैं देखो ट्री डायग्राम। इसके हम पहले इसको एक्सप्लेन करके देखेंगे, समझेंगे, फिर बाद में हम एक सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करना पड़ता है, देखो यहाँ पे इन्होंने 32 नंबर का सॉल्व किया है। 32 के इन्होंने क्या किए हैं, प्राइम नंबर के साथ ऐसा कौन सा टेबल आता है जिसका मल्टीप्लिकेशन 32 है, और सबसे छोटा हमारा प्राइम नंबर हमें पता है कौन सा है, वो 2। तो इन्होंने लिया है, तो 2 को कौन से टेबल से हमने अगर मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमें 32 मिलता है। तो देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 16, हमें 16 का टेबल आता है, 16 2 जा 32, तो ये करेक्ट है। तो 32 के हमें यहाँ पे 2 फैक्टर्स मिले, कौन से है 2 फैक्टर्स यहाँ पे, 1 is 2 एंड 2 is 16। मुझे बताओ दोनों में से दोनों भी प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, सिर्फ यही प्राइम नंबर है, सेकंड वन इज प्राइम नंबर नहीं है, तो हमें इसको फिर से प्राइम नंबर बनाना है। तो जैसे हमने 32 को सॉल्व किया था उसी तरह 16 को सॉल्व करना है। तो 16 को 2 के साथ ऐसा कौन सा नंबर आता है जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 16 आता है, ये चेक करना है। तो देखो 2 को कौन से टेबल से मल्टीप्लाई करने के बाद 16 आता है, 2 8 जा 16, यानी कि 2 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो ही 16 आता है। इसलिए 16 के यहाँ पर फैक्टर्स क्या मिले, देखो 2 एंड 8। तो यहाँ पे हमें 2 फैक्टर्स और मिल गए। तो मुझे बताइए इट इज़ अ प्राइम नंबर, यस, लेकिन 8 इज़ अ प्राइम नंबर, नो इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। सो हमें क्या करना है, फिर से 8 को भी सॉल्व करना है, 8 को भी 2 नंबर के प्रोडक्ट में लिखना है जिसमें से 1 क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 2 के साथ हमने ऐसा नंबर लिया जिसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर क्या आता है, 8 आता है। तो 2 4 जा 8, तो यहाँ पे हमें मिला 4। 2 इज अ प्राइम नंबर लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए हमने 4 को भी क्या किया, 4 को भी ऐसे 2 मल्टीप्लिकेशन में लिखा, प्रोडक्ट में लिखा, जो दोनों कौन से नंबर है, देखो प्राइम नंबर है, 2 2 जा, यानी कि अभी 2 के इसके बाद और हमें फाइंड करना है क्या, सॉल्व करना है क्या, इसके और फैक्टर्स निकालना है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि हमें फैक्टर्स सिर्फ कौन से निकालने थे, पूरे प्राइम फैक्टर्स निकालने थे। तो यहाँ पे लास्ट तक देखो कौन से नंबर रह गए, अभी 2 और 2, और दोनों भी कौन से है, ये प्राइम नंबर है। तो हमारे पूरे जो फैक्टर्स अभी कौन से आए हैं, देखो यहाँ पे सब लोग, दिस वन 2 2 2 2 एंड लास्ट 2, तो ये सभी क्या है, सभी प्राइम नंबर है, 2 इज़ अ प्राइम नंबर। इसलिए हमारा आंसर किस में आया है, प्राइम नंबर में आया है आंसर। ठीक है, ठीक है, तो हम इसको एक और ट्री डायग्राम शो कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ यही ट्री डायग्राम ये नंबर को अप्लाई होगा, उसको हम सेकंड ट्री डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे हमने फैक्टर्स क्या लिए थे, 32 के 2 एंड 16 लिए थे, तो सिर्फ 2 एंड 16 का ही प्रोडक्ट 32 आता है, ऐसा कुछ नहीं। हम टेबल्स भी चेंज कर सकते हैं, दूसरा कोई 2 टेबल्स ले जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 32। तो देखो शायद 4 एंड 8, आई थिंक 4 एंड 8, 4 8 जा 32 आता है। तो बराबर हमने ये 2 फैक्टर्स लिए, अभी ये दोनों भी प्राइम नंबर्स है क्या, नहीं है, दोनों भी प्राइम नंबर नहीं है। तो हम इनको फिर से सॉल्व करेंगे, एक एक को डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले हम 4 को सॉल्व करेंगे क्योंकि 4 भी प्राइम नंबर नहीं है। इधर मैंने सॉल्व किया था क्या 2 को, नहीं, सिर्फ 16 को सॉल्व किया, 2 को क्यों नहीं किया,
यस बिकॉज इट इज अ प्राइम नंबर, यहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा, प्राइम नंबर हमें यहाँ पे ही मिल गया, लेकिन इधर हमें प्राइम नंबर नहीं मिले, तो दोनों को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे फोर का ऐसे कौन से दो नंबर से जिसका मल्टीप्लीकेशन फोर आता है, टू मल्टीप्लाई बाय टू, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टू मल्टीप्लाई बाय टू। तो मुझे बताइए दोनों भी प्राइम नंबर हमें मिल गए अभी, तो ये आगे सॉल्व होगा क्या, नहीं, यहीं पे है स्टॉप हो गया। इसके जैसा हम अभी एट को सॉल्व करेंगे, तो एट का मुझे बोलो, एट के लिए कौन से दोनों का प्रोडक्ट एट आता है, कौन से दो नंबर हो गए वो, फोर टू ज़ा एट या टू फोर ज़ा एट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फोर टू ज़ा एट। तो इन दोनों को ध्यान से चेक कीजिए, दोनों में से सिर्फ क्या है, फोर इज नॉट अ प्राइम नंबर लेकिन टू इज अ प्राइम नंबर। तो ये हम सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ इसका ये फोर को हम सॉल्व करेंगे आगे, क्योंकि हमें प्राइम नंबर फाइंड करने हैं। तो देखो जैसे ये फोर का यहाँ पे दिख रहा है, इसके जैसा ही इधर आएगा, इसको अभी सॉल्व किया हमने फोर को। फोर को सॉल्व करने के लिए कौन से दोनों का प्रोडक्ट लिया, टू मल्टीप्लाई बाय टू, यानी टू इंटू टू कितना आता है, फोर आता है। तो सेम एज इट इज इधर भी क्या आएगा, टू मल्टीप्लाई बाय टू आएगा। तो ये हो गया टू इंटू टू फोर। अभी ये पूरा ट्री कंप्लीट हुआ, क्यों कंप्लीट हुआ अभी ये पूरा ट्री, क्योंकि देखो ये जो दो सब जो लास्ट तक प्रॉब्लम्स आए वो कौन से आए हैं, प्राइम नंबर्स आए। ये पूरे जो टू टू है वो कौन से है, प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये ट्री डायग्राम समझ में आया होगा, इसको एक बार फिर से देखिए, और जो आप 32 के अलावा बाकी के नंबर्स लीजिए उसका ट्राई कीजिए, दो तीन नंबर्स लेके ट्री डायग्राम ट्राई करना सीखिए बहुत बार, क्योंकि ये सिर्फ मैंने दो ट्री डायग्राम बनाए, इसके जैसे आप नंबर चेंज करोगे तो और ट्री डायग्राम बन सकते हैं, ठीक है। सिर्फ मैंने आपको ये मेथड बता दिया, आप अभी इसका प्रैक्टिस कीजिए, बहुत नंबर्स लीजिए इसका प्रैक्टिस कीजिए, और मुझे फिर रिव्यू भी दीजिए वीडियो में, ठीक है। तो चलो, बाय, लव यू एंड हैव अ नाइस डे।